डुमरी थाना क्षेत्र के जैरागी पंचायत अंतर्गत नवहट्टा ग्राम निवासी एक 65 वर्षीय वृद्ध महिला फूलमणि मुंडाइन पति स्व देवचरण मुंडा की डायन बिसाही के आरोप हत्या करने का मामला प्रकाश में आया है। इस संबंध में डुमरी थाना प्रभारी मनीष कुमार ने बताया कि घटना का मामला बुधवार का है। मृतिका बैल चराने सुबह करीब 9 बजे गई थी। जब बैल घर वापस आ गया और महिला नहीं आई तो दोपहर में उसकी बेटी बैल चराने गई, लेकिन संयोगवश बैल उसी स्थान पर चला गया जहां मृतिका की हत्या हुई थी। तब मृतिका की बेटी फौरन घटनास्थल से वापस दौड़कर घर आई और अपने बहन बहनोई को लेकर घटनास्थल पहुंची। इसके बाद इस बात की जानकारी ग्रामीणों को हुई, जिसके बाद स्थानीय मुखिया के द्वारा थाना को इसकी सूचना दी गई। सूचना पाकर डुमरी थाना प्रभारी मनीष कुमार सशस्त्र पुलिस बल को लेकर घटनास्थल पहुंचे, जहां से शव को अपने कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम हेतु सदर अस्पताल गुमला भेज दिया। वहीं पुलिस मामले की गहनता के साथ छानबीन कर रही है। थाना प्रभारी डुमरी को सूचना मिली थी नवहट्टा में एक महिला की हत्या हो गई। थाना प्रभारी के द्वारा घटनास्थल पर जाकर सत्यापन किए तो गांव से थोड़ा दूर पर पहाड़ के तले में एक महिला की हत्या गला दबाकर और माथा में किसी चीज़ से चोट पहुंचाकर हत्या कर दी। इसमें अभी तक किसी गिरफ्तारी हो पाई? इसमें अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन बहुत जल्दी इस केस का उद्भेदन हो जाएगा। खाई पी के इसके मकई कोड़ा कर रखी तो मकई कोड़ा कर जा रहा हूँ। मकई कोड़ा करके मैं घर वापस आ लूँ तो इस घटना की सुन लो। मैं घटना सुन लो कि नहीं, ये फुलवानी मुंडेन का लाश पड़ल है वहाँ पर, जगह खिरामक है। हाँ, फिर भी मैं सोचे लागल कि अपन रात के साँझ के फिर मुखिया के बुलाल गया और मुखिया से विचार विमर्श करके उसके बाद में थाना सूचना दिया गया। तो बाद में सूचना दे के फिर 7 बजे पहुँच लें थाना प्रभारी में और पूछताछ कर लें। उसके बाद में जगह भी दिखा लें और पूछताछ करते करल के बाद में उमने वो लड़का अलग से हमें जहाँ वो सब अलग निशानी गला तो उमन उनके पूछे ले गए और वह सब पकड़ लें। उनके के मायर है कुंवर साहब हुंडा भतीजा। अच्छा, कहाँ ले मान लें कुछ पता नहीं, पता नहीं। अब पुलिस जगह का हमको तो भेज दिला, कहाँ हलक से नहीं जाने। कहाँ नाम लो? गोपाल हुंडा। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।